गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि कल एक पीडीएफ अपलोड किया गया है जिसको लेकर फिर से बच्चों में कन्फ्यूजन आ जाती है। देखिए, डेफिनेटली इस बार 113 कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस ने अप्लाई करा हुआ है फॉर परमिशन। तो एक सेम आर्टिकल छपा था 2 महीना पहले, तो लोगों को लगा पक्का आ रहा है, भगवान करे ज़रूर आ जाए, पर जस्ट टू टेल यू पक्का नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि 113 को परमिशन मिल गई है, और वही जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा था, जब मैं भोपाल गया था या रिसेंट था, तो एनएमसी की इंस्पेक्शंस चल रही थी जुलाई एंड जून एंड में। और इस लेटर का मतलब ये है कि हमने कम्युनिकेट कर दिया फाइनल डिसीजन कॉलेजेस को। तो मुझे अभी नहीं पता, लिस्ट बहुत लंबी है, और जो भी मेरा चैनल सुनते हैं आप जानते ही हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कॉलेज में जाऊँ, खासकर जो नॉर्थ साइड के कॉलेजेस हैं, और आपको अपनी एक पर्सनल फीडबैक दे सकूं। जैसे कि आपने मेरा वीडियो पक्का देखा होगा रिगार्डिंग ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है, 4 या 5 दिन पहले मैं आपको मिल जाएगा, जब मैं भोपाल था, अभी अबाउट 2 वीक्स बैक, सॉरी। तो ये 113, इन्होंने ये कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि फाइनल ऑफिस ऑर्डर है, तो नेम ऑफ द कोर्स को, ये सारे नए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने सीट के लिए अप्लाई करा है वो अलग है। तो प्लीज़, ये 113 गारंटी नहीं है कि परमिशन मिल गई है, तो अब क्या करें? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहेगा कि मैं पर्सनली जाऊं। इनमें कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो अभी तक इंटरनेट पे ठीक से अवेलेबल भी नहीं है, वेरी फ्रेंकली। अब ग्राफिक इरा देहरा, हाँ, एक जैसे मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि ग्राफिक इरा देहरादून को ईमेल परमिशन ये आ गई है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि गंगानगर में एक नया कॉलेज आ रहा है, सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज, तो इस कॉलेज को हमको, जो पहले ये डेंटल कॉलेज हुआ करता था, अभी इन एमबीबीएस की इन्होंने परमिशन मांगी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मिल गई है, तो हमको इस कॉलेज में फ़ोन करना पड़ेगा, जो हम कल करेंगे, क्योंकि जैसा आप दिख रहे हैं क्लोज आ रहा है, और ये लिस्ट कल शाम को आ रही है। तो आई विल ऑल्सो आस्क माई टीम मेम्बर टू यू नो कॉल अप ऑल दिस पीपल, बट आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट मे बी दिस लार्ज कम्युनिटी जो मेरा चैनल सुनती है, कि जो भी आपके घर के आस पास के कॉलेजेस हैं, जैसा मैंने कहा कि आप nmc.org.in खोलिए, आपको ये लिस्ट दी जाएगी, ये सबसे ऊपर की न्यूज़ यही आ रही है, इसको क्लिक करेंगे सीधा ये नोटिस खुल जाएगा। इसमें आप लोकेशंस देखिए, चेक कीजिए कौन से कॉलेज हैं जो आपके आसपास हैं। अब ये तो देखिए, नाम से पता चल जाता है ना कि ये सरकारी होने वाला है, 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 जो यूपी में ये लोग लगे हुए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी कॉलेज हो, ये पक्का प्राइवेट होने वाला है। सो स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज सरकारी, आप अगर उन्हें खुद कॉन्टैक्ट कर सकें, और कॉन्टैक्ट करके इसी वीडियो के कॉमेंट्स में जरूर डालिए कि आपको क्या पता चला कि कॉलेज को परमिशन हाँ आई है या ना आई है, क्योंकि वो ईमेल्स कल गई हैं, तो जैसे मंडे को हम पता कर सकते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तो पूरी लिस्ट है, इसमें हम स्टेट बाय स्टेट चल सकते हैं, ये देखिए पक्का सरकारी है, ये पक्का सरकारी है, तो कुछ हमको पता चल जाता है कौन से सरकारी होंगे, नाम से पता चल रहा है ये सरकारी है, क्योंकि मैंने सुना नहीं था कि भोपाल में उसके अलावा कोई और आ रहा है, श्योर के अलावा, तो भोपाल को बेसिकली एक और कॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पक्का सरकारी है, मंदसौर में आ रहा है। अगर हम एमपी की बात करें, ये सरकारी ही होगा, ग्वालियर में एक और आ रहा है कॉलेज इट सीम्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और लोकेशन देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, इन लोगों को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देखिए, ये सब प्लानिंग है, अदरवाइज तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हमें पता चल ही जाएगा कौन सा कॉलेज आया है, कौन सा नहीं आया। बट आप चाहें तो अगले हफ्ते में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट डजन मीन कि ये कॉलेज परमिशन हो गई है, लिस्ट में नाम आ गया, दैट मीन्स इसका मतलब ये मैं समझिए इन्हें परमिशन मिल गई। और मैं तो अपनी गट फील से कह रहा हूँ, देखिए इस कॉलेज को परमिशन मिल जाए तो मैं खुद बड़ा हैरान होऊंगा, क्योंकि जो मैं अभी देख कर आया था 2 हफ्ते पहले ही, बिल्कुल कॉलेज इस हालत में नहीं था कि इस साल इसको परमिशन दी जाए। तो कंस्ट्रक्शन तो अभी बिल्कुल आधी भी नहीं हुई थी। ओके, तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था, कल से लिस्ट आई है ना शाम से, तो फिर से काफी जगह पर आपको ये सुनने में आ रहा है कि 113 को परमिशन मिल गई। जी नहीं, ये लेटर एनएमसी ने सिर्फ ये लिखा है कि हमने फाइनल डिसीजन दे दिया है और ईमेल कर दी है। ओके, सो बस इसका ध्यान रखिए। हैव अ नाइस संडे, 7 जुलाई है आज, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में, और अब तो न्यूज़ में भी आ रहा है कि
काउंसलिंग डिफर का मतलब ये नहीं है कि लंबी डिफर हो गई है, आई थिंक 2-4 दिन मैक्सिमम हफ्ते का खेल है। मेरी पर्सनल गट फील कहती है कि 15 जुलाई के आसपास काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। ओके, बट दिस वीडियो वॉज टू क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर नोटिस। और जितने ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे देखिए उतना ही कट ऑफ पे प्रेशर कम हो जाएगा और कम मार्क्स वालों को भी कम बजट में कॉलेज मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और जब टॉप कॉलेजेस की सीट बढ़ती हैं, जो कि जैसे कि इसमें एक MGM नेरूल भी है, आई एम श्योर उसको पक्का परमिशन मिल जाएगी, तो उसकी वजह से महाराष्ट्र साइड में रहने वालों को थोड़ा आराम मिलेगा और उनके पास एक और अच्छे कॉलेज की ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह स्लोली एंड स्टडली वैकेंसी, गीतांजलि की एक ब्रांच जयपुर में खुलने की उम्मीद है, उसको परमिशन मिली जानी चाहिए। दीज आर रियली टॉप ब्रांड्स विद रियली गुड बैकग्राउंड्स। ओके, ये सरकारी आने वाला पहला हरियाणा में भिवानी साइड में, हरिद्वार में सरकारी कॉलेज आ रहा है, उत्तराखंड में हम जानते हैं 4 थे, 5वां जाएगा। ग्राफिक की ना पक्का हमें पता चल गया, कल शाम को किसी परमिशन अप्रूवल आ गया। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। बस अब 2024 की एडमिशन प्रोसेसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी पेड सर्विस लेना चाहें, आप जानते ही हैं, यू हैव टू कॉल अस ऑन 9643362320। वैसे आप हमारी वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हैं, हमारा मेन ऑफिस दिल्ली में, इसके अलावा 10 के ऊपर ब्रांच ऑफिसेज हैं, ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, रोहतक, हिसार, पानीपत, अमृतसर, जयपुर, इंदौर, लखनऊ। और लेकिन एज यू नो अवर पॉलिसी कि हम किसी को टेलीकॉलिंग नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, एंड वी चार्ज मनी टू इवन टॉक, एंड देन वी चार्ज मनी फॉर द पेड काउंसलिंग। जो भी ऐसा ज्ञान है फ्री ऑफ चार्ज, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता रहता हूँ। बाय, टेक केयर।